वेलकम बैक टू द चैनल तो गाइज आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा रूरल डेवलपमेंट फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको रूरल डेवलपमेंट के बारे में चीजें बताई थी एक्सप्लेन किया था उसके बाद चैलेंजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था और ऑलमोस्ट हम लोगों ने इनिशियल दो जो लिंगरिंग चैलेंजेस हैं वो पढ़ लिए थे आज थोड़ी सी और चीजें उसमें बची हैं वो कवर करेंगे उसके बाद हम लोग एमर्जिंग चैलेंजेस को कवर करेंगे और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा तो इट इज अगेन गोइंग टू टेक अराउंड ट्वेंटी मिनट्स और हमारा चैप्टर समाप्त चलिए जल्दी से लेट्स बिगे शुरू करते हैं हम लोग आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू तो इंप्रूव मार्केटिंग सिस्टम अब हमने कल पढ़ा कि फार्मर के लिए की थी। के बारे में हमने पढ़ ली उसके बाद हमने पढ़ा मार्केटिंग भी एक अपने आप में चैलेंज है मार्केटिंग सिर्फ सामान बेचना ही नहीं है फसल को बेचना ही नहीं है अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है तो जब मैं मार्केटिंग की बात करता हूं तो यहां पर हमारे पास गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए जिससे हम मार्केटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं आइए वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चों रेगुलेटेड मार्केट्स रेगुलेटेड मार्केट्स का मतलब देखो मार्केटिंग के लिए सबसे पहले तो एक अच्छा मार्केट चाहिए मार्केट मतलब जहां पे प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस हो जहां पे सब कुछ ट्रांसपेरेंट फेयर हो जहां पे प्रॉपर वेट्स का ध्यान रखा जाए तो गवर्नमेंट ने क्या करा सबसे पहले मार्केट्स को रेगुलेट किया रेगुलेट का मतलब रूल्स और रेगुलेशंस बनाए

कि वेट्स और स्केल्स जो यूज हो रहे हैं वो प्रॉपर हो किसी भी किसान के साथ धोखाधड़ी ना हो आगे लिखा हुआ sure प्रोड्यूस का प्रॉपर पैसा मिल रहा है ठीक है नेक्स्ट क्या आता है कॉपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज ये हम पीछे भी पढ़ के आ गए कि गवर्नमेंट ने एनकरेज करा कि मार्केटिंग सोसाइटीज बनाओ एग्रीकल्चरल सोसाइटीज बनाओ और मिलजुल आप बेटर बारगेन कर पाओगे आपके पास ज्यादा पावर होगी देखो अकेला इंसान तो अकेला होता है जब किसान मिलके आएगा सामान लेके तो तो सामान भी बल्क में लाएगा दूसरा बेटर बारगेन कर पाएगा कॉम्पिटिशन नहीं होगा उनका आपस में तो गवर्नमेंट एनकरेज कर रही थी कि कॉपरेटिव एग्रीकल्चरल सोसाइटीज बनाओ तीसरा होता है बच्चे वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज भी सरकार ने प्रोवाइड करी सर क्यों प्रोवाइड करी देखो फार्मर जो प्रोड्यूस बनाता है जो फसल होती है वो बनती आ जाए बट बिकती पूरे साल है तो उसको स्टोर करने के लिए जगह तो चाहिए अब गरीब किसान कहां से स्टोर करे उसके पास कितनी जगह है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने वेयरहाउस भी प्रोवाइड करे बहुत सारे गवर्नमेंट वेयर हाउसेज होते हैं जो फार्मर्स रेंट पे ले सकते हैं और उस जगह में अपना प्रोड्यूस स्टोर कर सकते हैं देखो क्या लिखा है

नेक्स्ट क्या आता है डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है फार्मर्स को अवेयर करना उनके अधिकार के बारे में उनको मिलने वाली गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में उनको मिलने वाले गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के बारे में उनको एक बेटर नॉलेजेबल बार्गेनर बनाने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास करे टीवी पे एड्स आए रेडियो पे एड्स आए जो आज भी आते हैं तो गवर्नमेंट कोशिश करता है कि हम किसान को कैसा रख पाए अप टू डेट अवेयर रख पाए ठीक है इसके बाद आता है बच्चों एमएसपी पॉलिसी सर व्हाट इज एमएसपी पॉलिसी ये बहुत पॉपुलर है एग्जाम में भी ये जरूर आ जाता है व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बच्चों हमारे पास एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट फार्मर के प्रोड्यूस का एक मिनिमम प्राइस डिसाइड कर देता है गवर्नमेंट बोलता है भैया देखो ऐसा है कि हम आपके प्रोड्यूस का पच्चीस रुपए पर के जी दे देंगे एज्यूम कर रहा हूं मैं वैसे ही ठीक है पच्चीस रुपए पर के जी दे, दे देंगे अगर आप ज्यादा पे बेच सकते हो आप छब्बीस पे बेच सकते हो सत्ताईस पे बेच सकते हो अट्ठाईस पे बेच सकते हो बेचो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आपको कोई मार्केट रेट इससे कम दे रहा है आपको कोई चौबीस दे रहा है बाईस दे रहा है इक्कीस दे रहा है बीस दे रहा है तो आप बिल्कुल मत बेचना हम आपको कम से कम पच्चीस दे, दे देंगे तो फार्मर एश्योर हो गया कि हाँ उसका प्रोड्यूस पच्चीस रुपए पर के जी का तो है ही है तो इसको क्या बोलते हैं द मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी ठीक है एमएसपी पॉलिसी right. लेना है, ले लो बच्चों क्या होता है कॉपरेटिव मार्केटिंग इज अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेसिव स्टेप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम कॉपरेटिव मार्केटिंग होता है कि आपको अब इंडिविजुअली जाके अपना प्रोड्यूस मार्केट नहीं करना हम सब एज अ ग्रुप जाएंगे हम सब किसान मिलके जाएंगे कोऑपरेटिव मार्केटिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेटा मिल्क कॉपरेटिव ने जो गुजरात के मिल्क कॉपरेटिव थे उन्होंने पेश किया और आज आप देखो कि एक बहुत बड़ी कॉपरेटिव सोसाइटी है जिसका नाम है अमूल हर घर में अमूल मक्खन जाता है अमूल पूरे इंडिया में अपना इस तरीके का मिल्क से रिलेटेड चाहे वो दही हो चाहे वो घी हो चाहे वो दूध हो चाहे वो बटर हो सप्लाई कर रहा है अब इतना प्रोड्यूस कहाँ से आ रहा है वो सब एक साथ मिलकर आ गए जितने भी फार्मर्स थे, जो इस तरीके करते थे सब मिलकर आए और मिल जुलिस इन रूरल इंडिया प्लेड अग वाइट रेवोल्यूशन इन द कंट्री देखो ग्रीन रेवोल्यूशन किसमें आया था में. और अमूल गुजरात के मिल्क व्हाइट रेवल्यूशन फॉर मिल्क ओके अब बफर स्टॉक और पीडीएस का क्या मतलब होता है देखो वही एमएसपी की बात कर रहा है एमएसपी परचेजेस फ्रॉम द फार्मर्स आर कैप्टेज बफर स्टॉक्स बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या करता है जो किसानों से एम पे सामान खरीदेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेगा ना उसको एज अ बफर स्टॉक अपने पास रखता है बफर स्टॉक का मतलब गवर्नमेंट के पास वो रखा रहता है सामान और गवर्नमेंट उसको कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है गवर्नमेंट उसको देता है गरीब लोगों को जिनके पास राशन कार्ड होते हैं उसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखो पी आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद आपकी ये शॉप होगी आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन करने का राइट होगा आप लोगों के पास शायद इस तरीके की दुकान होगी जहां पे आप लोगों को राशन बांटते हो अगर है तो मुझे कमेंट्स में बताना किस किस के पास है तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन एंड अदर इसेंशियल जैसे शुगर कैरोसिन थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स फेयर प्राइस शॉप्स क्या करती हैं ये सारे के सारा चीजें चीनी चावल व्हीट उसके अलावा ये कैरोसिन ऑयल उसके अलावा सरसों का तेल होता है वो मिलता है तो इस तरीके की चीजें प्रोवाइड करती हैं कैसे रेट पे सब्सिडाइज रेट पे सरकार ने गरीबों के लिए इस तरीके की दुकानें बनाई होती हैं राशन कार्ड लेके जाओ और अपना सामान ले लो राइट थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स एट सब्सिडाइज सो दैट द दुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज इजी एक्सेस टू दीज थिंग्स अब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में बच्चों क्या क्या प्रॉब्लम थी ये सारी बेसिक प्रॉब्लम है क्या क्या है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं थी फोर्स्ड सेल्स किसानों के ऊपर दबाव से माल बिकवाया जाता था बहुत सारे मार्केट चेंजेस डेली बेसिस पे हो रहे थे क्रेडिट फैसिलिटी किसानों के पास पैसा नहीं होता था स्टोरेज फैसिलिटीज स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी मिडलमैन बहुत ज्यादा परेशान करते थे स्टैंडर्ड्स वेट्स एंड मेजर्स नहीं थे और इनएडिकुएट मार्केट इंफॉर्मेशन उनको पता नहीं था इन्हीं सबको दूर करने के लिए तो गवर्नमेंट ने पीछे स्कीम्स निकाली जो मैंने आपको पढ़ाई देखो ट्रांसपोर्ट सब्सिडाइज दे रहे थे फोर्स सेल से बचने के लिए कॉपरेटिव बनने के लिए गवर्नमेंट ने एनकरेज करा मार्केट चेंजेस और क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए फाइनेंस अवेलेबल कराने की कोशिश करी स्टोरेज फैसिलिटीज के लिए वेयर हाउसेज प्रोवाइड करे मिडलमैन को हटाने के लिए फार्मर्स को फिर बोला कि आप इकट्ठे हो गया हो स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स के लिए रेगुलेटेड मार्केट्स बनाई गई तो और मार्केट इंफॉर्मेशन के लिए वो पॉइंट पढ़ाया ना मैंने आपको डिस्सेमिनेशन ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस स्प्रेड करी गई तो इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने की गवर्नमेंट ने कोशिश करी लेकिन अगर आपसे प्रॉब्लम पूछ ले तो आपको ये लिख के आनी है ओके okay. अब यहां से शुरू हो रहे हैं बेटा जी हमारे पास द लिंग खत्म हो गए एमरजिंग चैलेंजेस सर एमरजिंग चैलेंजेस क्या होते हैं व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय एमरजिंग चैलेंजेस तो देखो बच्चों एमरजिंग चैलेंजेस वो चैलेंजेस हैं जो अब नए उभर के आ रहे हैं सर उभर के आने से क्या मतलब है उभर के आने का मतलब है कि पहले फार्मर्स को ये चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते थे पहले नॉर्मली चीजें चला करती थी बट आज की डेट में फार्मर्स को ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कैसे चैलेंजेस सर देखो बेटा एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है अब एग्रीकल्चर अगर सीजनल है तो किसान को कुछ ना कुछ और चीज़ें चाहिए किसान को कुछ ना कुछ और काम चाहिए किसान को कुछ ना कुछ और ऐसी चीज़ चाहिए, चाहिए जिससे वो पैसा कमा पाए तो किसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अब वो बाहर निकल के क्या ऐसा करे क्या ऐसा करे कि उसका काम हो जाए और पैसा उसके पास रेगुलरली आता रहे तो ये अपने आप में एक चैलेंज है कि उसको एक ऑक्यूपेशन ढूंढना है आउटसाइड एग्रीकल्चर है ना देखो क्या लिखा हुआ है एमर्जिंग ऑल्टरनेटिव टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग आर आर रे ऑफ होप टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु हैव बीन साइलेंट सफरर्स एट द हैंड्स सफर मैन मिडल मैन ने बहुत एक्सप्लॉइट किया है डायरेक्ट सेल बाय फार्मर टू द कंज्यूमर इज वन ऑफ द चैनल एक चैनल है कि डायरेक्टली सेल कर सकता है फार्मर आगे लिखा हुआ है देखो द स्टेट्स ऑफ पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान आर लॉन्चिंग दिस चैनल थ्रू अपनी मंडी देखो अपनी मंडी क्या है ये कुछ स्टेट्स लॉन्च कर रही हैं जिससे किसान डायरेक्टली अपना माल बेच सकता है कस्टमर को अपनी मंडी उसके बाद बिग बाजार बिग बाजार सब जानते हैं स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ने लॉन्च करा राइथू बाजार तमिलनाडु ने लॉन्च करा उजावर सैंडीज ये नाम याद रखना प्लीज इसको लर्न करना इसको बट लिख लो अपने पास लर्न दिस क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं कि कौन सी स्टेट में कौन सा हुआ था डायरेक्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर्स बाय नेशनल एंड मल्टी नेशनल कंपनीज इज अनदर चैनल ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग आप क्या कर सकते हो रिलायंस जैसी कंपनीज के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो और उनको डायरेक्टली सेल कर सकते हो आप अपना सामान दिस वुड नॉट ओनली हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ मार्केट बट ऑल्सो रिड्यूस प्राइस रिस्क फॉर स्मॉल फार्मर्स इससे मार्केट बड़ा होगा और प्राइज रिस्क भी कम हो सकता है स्मॉल फार्मर्स के लिए ठीक है इसके बाद बच्चों आएगा एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन क्योंकि यहां से शुरू हो रहे हैं। तो मैंने कहा था कि दो क्लासेस में खत्म हो जाएगा बट आई रियली डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा अनदर अदर ट्वेंटी मिनट्स में लगाऊंगा और एक क्लास और रखेंगे अभी हम इस चैप्टर की बड़ा चैप्टर है इसको बहुत जल्दी समाप्त नहीं करना ठीक है तो कल मिलते हैं कल मैं इसको कवर करता हूं और टॉपिक को समाप्त करते हैं ऑल राइट थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून टेक केयर बाय